The grain covers certain distance. Okay. After uniform speed, the grain will be within uniform speed. Let speed of the grain be x kilometer per hour. No. Okay. A certain distance be y. Certain distance can y. Then. If speed be 10 km faster, na? Okay? अच्छा देखिए, तो जैसे x किलोमीटर पर आवर से चलता है, y डिस्टेंस कवर कर रहा है, y किलोमीटर, तो टाइम टेकन बाय ट्रेन कितना हो जाएगा बताओ? टाइम टेकन बाय ट्रेन, तो ट्रेन कितना टाइम लगेगी? ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ऑफ वाई स्पीड ऑफ एक्स से टाइम डिवाइड की तो टी इक्वल टू वाई बाय एक्स होते हैं ना. तो शेड्यूल टाइम ये हो गया आपका, ये आपका शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम ये भी हो गया. चलिए आगे आप पढ़िए, पढ़े कि एक ट्रेन मूव 10 किलोमीटर फास्टर है ना, तो ये ट्रेन मूव 10 किलोमीटर फास्टर, ये ट्रेन अगर 10 किलोमीटर तेज चलेगी तब फिर टाइम टेकन क्या हो जाएगा? टाइम टेकन होगा इस केस में डिस्टेंस तो वही रहेगा, स्पीड बढ़ने से डिस्टेंस चेंज होगा ना, तो लेकिन स्पीड क्या होगा? एक्स प्लस 10 हो गया, पहले 10 था 10 ज्यादा हो गया, एक्स प्लस 10 है ना, ये हो गया जो टाइम. तो दोनों टाइम में क्या रिलेशन है बताइए आगे बढ़े. हाँ, टू आर लेस ये जो की रेस है, ये रेस क्या बताओ? 30 से 2 घंटा कम है ना, तो 30 में से 2 मान कर दें, तो की रेस हमारा बोलते हैं ठीक है ना. कब से बढ़ रहा दीजिए तो क्या हो जाएगा बताओ? ये देखो y मान x प्लस 10 इज इक्वल टू ये देखा y बाय x माइनस 2 ठीक है. आप ऐसे ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? अब से बदला दीजिए तो कितना हो जाएगा? t डबल डैश की वैल्यू
y अपन x1 है ना, और t इक्वल टू y बाय x और प्लस 3, ठीक है। अब यहां से इसको सिंपलीफाई करो तो क्या हो जाएगा, y y अपन x माइनस 10 y बाय x इक्वल टू 3, ठीक है। तो y का मान ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 1 अपन x माइनस 10 माइनस 1 बाय x इक्वल टू 3, ठीक है। इसको y इधर भेज दीजिए क्या हो जाएगा, x माइनस x प्लस 10 अपन x इंटू x माइनस 10 इक्वल टू 3 अपॉन y है, तो 10 अपॉन x स्क्वायर माइनस 10 x इक्वल टू 3 अपॉन y, ठीक है। तो इसको उधर भेज दीजिए क्या हो जाएगा, 10 y इक्वल टू 3 x स्क्वायर माइनस 30। अब चले इसको सिंपलीफाई करो, तो प्लस y का प्लस y y का ही मान जाएगा, मान लो ये फाइव, हाँ सर ये फाइव है, ये आपका 225 फिर टू कट जाए ये 1.25 यहाँ पे एक्स का एक्स का स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर 10 डिस्टेंस, स्पीड नहीं पूछ रहे हैं, डिस्टेंस तो डिस्टेंस निकाल लीजिए, वाई वैल्यू निकालना है, तो वाई वैल्यू निकालने के लिए किसी एक वेरिएबल को जैसे इसमें रख दीजिए, तो वाई वैल्यू कितना हो जाएगा, हो जाएगा 50² और प्लस 10 × 50 है ना, इस इक्वेशन रख देते हैं, 1 लिख के 1 में रख देते हैं, ठीक है। अपॉन 5 अपॉन 5 तो कितना हो जाएगा, जाएगा 2500 और प्लस 500 अपॉन 5 ये कितना हो गया, 3000 डिवाइड बाई 5 ये कितना हो जाएगा, 600 किलोमीटर, 600 किलोमीटर चले जाएंगे, देखिए कितने बड़े हैं, आंसर कितना है, फिर जाके मिलाना आंसर बुक भी नहीं ले, चलिए कॉपी करिए मिलाना।